Hello students, have a nice day. Today we will study about synthetic fibers and plastics. पिछले वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन सर दिए थे, उससे आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. Should the handle and bristle of toothbrush be made of the same material? Explain your answer. तो जो toothbrush है, इसमें जो handle और जो bristle होते हैं, वो क्या same material के होते हैं? तो ये बताना है कि same material के हैं या नहीं. तो इसमें no. Because our gums are soft and the bristle should be made of soft material so that it does not harm the gums. जैसे कि gums जो है soft होते हैं, तो उसके जो brush है वो भी soft material का होना चाहिए. On the other hand, the handles should be made up of hard material so that it can give firm grip. तो इसमें जो handle है वो hard material का, जिससे कि अच्छी पकड़ उसमें बन सके, firm grip. Question 12. Avoid plastics as far as possible. Comment on this advice. तो जो प्लास्टिक है, इसका यूज जो है कम से कम हो, कम से कम करें. इसके लिए कुछ कमेंट कीजिए. जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर एडवाइस सलाह दीजिए. अब ये सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, बहुत ईयर्स लगती हैं इसमें इसको डिकम्पोज होने में. इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये बैक्टीरिया वायरस द्वारा डिकम्पोज होने वाला नहीं है. सो इट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. इसलिए ये वातावरण का मित्र नहीं है. व्हेन द प्लास्टिक्स आर वर्न्ड, इट रिलीजेज ए लोट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन टू द एटमोसफियर, काजिंग एयर पॉल्यूशन. जब इसको जलाया जाता है, प्लास्टिक को जलाते हैं, तो इसमें बहुत सारे फ्यूम्स निकलती है, जिसमें कि पॉइजनस फ्यूम्स, टॉक्सिक विषैले पदार्थ, विषैले गैसेस निकलती हैं, जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण. द वर्स्ट प्लास्टिक्स आर्टिकल्स थ्रोन हियर एंड देयर. और जो वेस्ट मटेरियल है प्लास्टिक के, उसको इधर उधर फेंक दिया जाता है केयरलेसली. गेट इनटू डर्टी वाटर ड्रेन्स एंड सीवर्स एंड ब्लॉक देम. तो इस प्रकार से इसको इधर उधर फेंक दिया जाता है. कहीं पिकनिक पर जाते हैं तो वाटर बॉटल्स वगैरह और ये पैकिंग पैकेज वगैरह, ये सभी जो है इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि ये नालियों में पहुंच करके और उनको जो ब्लॉकेज कर देते हैं. कभी कभी कुछ मटेरियल, जैसे कोई फूड आइटम उसमें लगा हुआ है, इसको गाय वगैरह और ये खा लेती है, तो वो इंटेस्टाइन में जा करके, उसके हाथ में जा करके और हार्मफुल बनते हैं, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है. वाटर ड्रेन्स एंड सीवर्स एंड ब्लॉक. सो वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. इसलिए जहाँ तक संभव हो हमको जो है प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग से बचना चाहिए. इसके लिए पैकिंग वगैरह जो, या मार्केट जाते हैं
तो उसके लिए अपना जूट पैक वगैरह ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द फ्रेजेस गिवन इन कॉलम बी। अब इसमें तुमको मैच करना है किससे क्या, मतलब जो है जैसे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो है इसको मैच करेंगे, क्या है पॉलिस्टर, तो इसमें देखिए इसको रीड करने के बाद में, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली, ऐसा फैब्रिक है जो कि आसानी से सिकुड़ता नहीं है, मुड़ता नहीं है, ये तो फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। नेक्स्ट टेफ्लॉन, टेफ्लॉन प्लास्टिक, टेफ्लॉन यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, इसमें जो है किचन में यूज करने वाले कुकवेयर यूज किए जाते हैं नॉन स्टिक, इस पर जो ऑयल वगैरह ये जो है स्टिक नहीं होता है, तो यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। एंड रेयॉन, रेयॉन प्रीपेयर्ड बाई यूजिंग वुड पल्प, वुड पल्प कास्ट लुगदी, लकड़ी की बनाई हुई लुगदी के द्वारा ये तैयार होता है रेयॉन, प्रीपेयर्ड बाई यूजिंग वुड पल्प। नेक्स्ट नायलॉन, नायलॉन यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड स्टॉकिंग्स, इसमें पैरासूट और स्टॉकिंग्स जो है इसके बनाए जाते हैं, इसमें ये फर्स्ट डी से मिलाएंगे, सेकंड सी से मिलाएंगे एंड थर्ड ए से मिलाएंगे, मैच करिए फोर्थ बी से मिलाएंगे, फोर्थ जो है बी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट कमेंट करना है कि जब ये सिंथेटिक फाइबर्स बनाया जाता है तो इससे जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है, फॉरेस्ट का संरक्षण होता है, तो प्लास्टिक से, सिंथेटिक फाइबर से बहुत से ऐसे आइटम बनाए जाते हैं जो लकड़ी द्वारा बनते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसे चेयर लकड़ी की न होकर के प्लास्टिक कर दी, तो उसमें लकड़ी की बचत हुई, और जब लकड़ी की बचत होगी तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा, कटिंग नहीं होगी उनकी। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड ट्रीज, तो सिंथेटिक फाइबर्स ये केमिकल्स के बनते हैं और ये प्लांट्स और ट्रीज पर डिपेंड नहीं होते, इनका यूज नहीं होता है प्लांट्स और ट्रीज का। दीज सिंथेटिक फाइबर्स कैटर द नीड ऑफ पीपल अप टू ग्रेट एक्सटेंट, कैटर मीन्स इसकी व्यवस्था करते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो है जितनी आवश्यकता है उसकी एक बड़े पैमाने पर उसकी उसका प्रबंध होता है इसके द्वारा। दस द फॉरेस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ्स फर्नीचर्स एट्सेट्रा, तो जैसे लकड़ी के फर्नीचर बनता है तो उस फर्नीचर को हम प्लास्टिक द्वारा बनाते हैं, इसमें चेयर टेबल्स और गेट वगैरह ये जो है प्लास्टिक्स द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, इससे जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है। सो वी कैन कम टू ए कंक्लूजन दैट मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो इस प्रकार से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो जाता है, प्लास्टिक लकड़ी को जो है प्लास्टिक द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो जो लकड़ी बोर्ड आइटम है उनको प्लास्टिक के द्वारा बनाया जाता है और इस प्रकार से जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम देखा होगा कि ये जो वायरिंग होती है, वायरिंग के ऊपर जो ये रबड़ वगैरह चढ़ी होती है, प्लास्टिक का ही होता है वो, इससे जो है करंट नहीं लगता है। तो इसमें एक है एक्टिविटी है, अरेंज ए सर्किट यूजिंग कॉपर वायर ए थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट ए बल्ब एंड ए सेल एज शोन इन द गिवन फिगर। फिगर में जैसा दिया हुआ उस प्रकार से एक सर्किट अरेंज करेंगे जिसमें थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट होगा, कॉपर वायर कनेक्टिंग वायर है, ए बल्ब एंड ए सेल बैटरी सप्लाई के लिए, लीव ए गैप बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर। तो वायर में जो है बीच में गैप छोड़ देंगे और उसमें प्लेस ए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट हो या थर्मोसेटिंग ऑब्जेक्ट, दोनों ही जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये प्लास्टिक है, इन द गैप, गैप में रख देते हैं इस प्रकार से ये, ऑब्जर्व द बल्ब, अब बल्ब को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ये बल्ब है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, शेल है, वायर है, ये कनेक्टिंग वायर कॉपर वायर, अब ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व दैट इट इज ऑब्जर्व दैट द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब जो है ग्लो नहीं करता, डज नॉट ग्लो, दिस शोज दैट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो है प्लास्टिक जो है ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा का भी, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं, कवरिंग जो होती है वो प्लास्टिक की होती है और इससे जो है करंट नहीं लगता है। तो इस प्रकार से ये हुआ कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो प्लास वगैरह होते हैं उन पर भी प्लास्टिक चढ़ा दिया जाता है जिससे कि करंट न लगे। इसमें ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए, 15 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी प्रकार से कर रहे करेंगे और यदि ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि जैसे ही वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तो वो वीडियो तुरंत तुम्हें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रीसेंट वीडियोज ऑफ साइंस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर एंड बेस्ट ऑफ लक।